हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ आप सबकी गायू। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मीशो लहंगा हॉल। जो मैंने मीशो से लहंगा परचेज किया है वो कैसे हैं, वो उसका रिव्यू मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं इसमें सारे बातें बताऊंगी कि आपको ये लहंगा कैसे हैं, क्या है, आपको लेने चाहिए नहीं चाहिए। सो प्लीज इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो पहला लहंगा मंगाया है वो है ये येलो कलर में मंगाया है गाइस, येलो कलर में मंगाया है। येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। तो आप इसे किसी की हल्दी या मेहंदी में, दोनों में ही आप पहन सकते हो बहुत ही आसानी से। तो चलिए अब इस लहंगे के बारे में बात करते हैं। ये नेट के कपड़े में ये लहंगा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो पूरे नेट है ये लहंगा, नेट का लहंगा है। और इसमें जो बीच बीच में ऐसे धागे का काम किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो ये धागे का काम है गाइज। ये प्रिंट नहीं है जो कि आप आसानी से ऐसे करोगे तो निकल जाए या फिर धोने से ये निकल जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ये धागे का वर्क किया हुआ है कि देख लो आप, देखो ये धागे का वर्क है जो कि आसानी से नहीं निकलेगा, जो कि नेट की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, सॉफ्ट है। और जैसा कि आप देख सकते हो ये लहंगा है, इसके नीचे भी देख सकते हो, इसके नीचे में ग्रीन कलर का पट्टी दिया हुआ है गाइज, ग्रीन कलर की पट्टी है। पूरे लहंगे में ग्रीन कलर के नीचे पट्टी दी हुई है। इसकी इससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है गाइज, इसकी वजह से ये लहंगा काफी अच्छा लगता है। और इसके नीचे ये नेट के लहंगा है तो इसके नीचे दिया हुआ है ये अस्तर कपड़ा, जैसा कि आप देख सकते हो। इसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है बट हाँ अच्छी है गाइज। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते हो, आप ले सकते हो, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ऐसे भी आप कोई भी ड्रेस किसी की शादी में पहनना होता है, हल्दी या मेहंदी में, सिर्फ एक या दो बार ही पहनते हो, उससे ज़्यादा उसे आप नहीं पहन सकते। अच्छा नहीं लगता ना कि हर किसी की शादी में एक ही ड्रेस पहनो। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो डिफरेंट तरीके से, बट इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, आप ले सकते हो। तो इतने कम प्राइस में ये लहंगा मिला गाइस, और क्या ही चाहिए। इस लहंगे की प्राइस लगभग 350 अराउंड ही होगी गाइज, उससे ज़्यादा नहीं होगी। बट ये बहुत अच्छा है, इसे कपड़े की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, कपड़े की नेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट है, वो चुभने वाली नहीं है, खड़खड़ नहीं है, भी बहुत अच्छी क्वालिटी में है। तो इसकी कमर की चौड़ाई आप देख सकते हो ये इतनी है। तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे मंगा सकते हो, वहाँ पे साइज अवेलेबल है तो आप अपने हिसाब से देख लेना गाइस कि आपको कौन से साइज चाहिए, बट ये बहुत अच्छे हैं। तो ये हो गया इस ये नीचे का लहंगा हो गया। अब मैं दिखाती हूँ इसकी दुपट्टा। इसके दुपट्टे जो मुझे मिली थी वो ये मिली है, जैसा कि आप देख सकते हो पूरी नेट की दुपट्टे हैं। इसकी लंबाई काफ़ी अच्छी है, इसकी चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी, जैसा कि आप देख सकते हो इसकी चौड़ाई है गाइस, इसकी चौड़ाई है और इसकी ये लंबाई है, दोनों ही काफ़ी अच्छी है। लंबाई एंड चौड़ाई में ये दुपट्टे काफ़ी अच्छी है। इस दुपट्टे के बॉर्डर पे ये ग्रीन कलर का पट्टी दिया हुआ है। इस लहंगे के नीचे में जो पट्टी दिया हुआ है ग्रीन कलर की, सेम वही पट्टी यहाँ पे भी दी हुई है, जो कि उसके कॉम्बिनेशन के साथ अच्छे से जाता है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। इसकी भी नेट की क्वालिटी वही है जो कि लहंगे की स्कर्ट, लहंगे की कपड़े की क्वालिटी है, वो भी काफ़ी अच्छी है। ये भी काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट सी है। इसके बीच बीच में ऐसे ग्रीन कलर के मोती लगे हुए हैं जो कि दोनों तरफ से स्टिच हैं, बंधे हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है गाइज, काफ़ी अच्छी है। इसके सारे में देख लो इसके दुपट्टे क्या, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो जैसे कि इसके दुपट्टे में सारी दुपट्टे में ऐसे लगी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो पहनने के बाद ये पूरी तरह से काफ़ी अच्छी लगेगी। इसकी वीडियो और फोटो मैं साइड में लगा दूंगी, आप देखना, पहनने के बाद ये और भी अच्छी लगती हैं गाइज। जैसे कि ऐसे देखने में आपको पता नहीं चलता नहीं कैसे लगेंगी, लेकिन नहीं, पहनने के बाद और अच्छी लगती हैं। आप इसे अच्छे से पहनोगे तो और अच्छी लगेगी। अब मैं बात करती हूँ इसके ब्लाउज पीस की, जो मुझे क्या रिसीव हुआ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे जो ब्लाउज पीस रिसीव हुआ इसके साथ वो है ये वाले ब्लाउज पीस गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो, कि आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। देखो ये है ब्लाउज पीस, ये है आधा में ये वर्क किया हुआ है, धागे का वर्क किया हुआ है गाइस, कोई प्रिंट नहीं है, ये धागा है इसे वर्क किया हुआ है, जो कि अच्छा है। और आधे में प्लेन है। तो आप इसे
आगे में प्लेन बना सकते हो, पीछे हुक बनवा सकते हो जो कि काफी अच्छे लगे, या फिर पीछे चेन डलवा सकते हो जैसे आपकी मर्जी, या फिर साइड चेन बनवा सकते हो आपको जैसा कंफर्टेबल हो, आप उस तरीके से स्टिच करा लेना गाइस। इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, आप इसके साथ आराम से सिलवा सकते हो, पहन सकते हो, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। तो इसकी प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल है गाइज, अगर आपको लेना है तो आप आराम से जाके ले सकते हो। इसका कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर लेना। और जो मैंने दूसरा लहंगा मंगाया है वो है ये जॉर्जेट का लहंगा है जो कि काफी अच्छा है, अगेन काफी अच्छा है, ऐसा नहीं कि अच्छा अच्छा बोल रही हूँ तो अच्छा है, लेकिन सच में ये अच्छा है। आप ये मत सोचना कि वीडियो के लिए बस बोले जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये काफी अच्छा है इसलिए मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। नए भी होता तब भी मैं कर देती, बट नहीं ये काफी अच्छा है, जैसा कि आप इसे देख सकते हो जॉर्जेट के कपड़े में है, रेड कलर में है और व्हाइट कलर का इसमें प्रिंट है, तो आप देख सकते हो इसके लहंगे की खूबसूरती का। इस देखो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, कलर भी काफी अच्छा है। इसमें और भी कलर अवेलेबल है गाइज, आप अगर दूसरा कलर लेना चाहते हो तो आप दूसरा कलर ले लेना, बट ये भी कलर काफी अच्छे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी कमर पट्टी में ये गोटा दिया हुआ है, तो ये भी अच्छा लगता है, आप जब इसे पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो जरूर से जरूर एक बार ट्राई करें। तो इसके घेरा देखो, घेरा भी इसका काफी अच्छा है, देखो इसका घेरा भी काफी अच्छा है, नीचे की घेरा जो है ना वो काफी अच्छा है, और नीचे में इसे देखो गोटा पट्टी का, चौड़ा गोटा पट्टी का काम किया हुआ है, इसकी वजह से ये लहंगा की खूबसूरती और बढ़ जाती है। पिंक ग्रीन का कॉम्बिनेशन में है, गोल्डन है रेड के साथ, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये तो और ही अच्छे लग रहा है गाइस, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो इसकी ये कपड़ा जॉर्जेट का है गाइस, और इसके नीचे एक अस्तर दिया हुआ है, सो ये देखिए इसके नीचे ऐसा अस्तर है, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, जैसा इस येलो वाले लहंगा में था ना उससे इसकी क्वालिटी बेटर है, इतना मैं बोल सकती हूँ उससे इसकी क्वालिटी बेटर है, बट हाँ ठीक है, अच्छी है, आप देख सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो देखो कितनी अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, नीचे में दिया हुआ है ताकि ट्रांसपेरेंट ना हो, तो ये काफी अच्छी है, आप देख सकते हो इसके ओवरऑल। इसकी पूरी लुक भी मैं अभी आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, तो आप वहाँ पे देखना इसकी पूरी लुक कैसे आ रही है निकल के। तो इस लहंगे के साथ जो मुझे ब्लाउज पीस रिसीव हुआ था वो प्लेन ग्रीन कलर का रिसीव हुआ था गाइज, वो भी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने उसे स्टिच कराया है और मैंने कहाँ रखा वो मुझे नहीं पता, बट मैंने एक ब्लाउज लिया था तो उसके साथ ही मैं इसे पहन के भी आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे लग रहे हैं। तो आप देखना कि इस लहंगे के साथ इस कलर ग्रीन कलर का ही इसका ब्लाउज पीस दिया था गाइज, इसलिए मैंने ग्रीन कलर का ब्लाउज मंगाया जो कि इस लहंगे के साथ भी मेरा चल जाता है और इस लहंगे के साथ भी मेरा अच्छे से चल जाता है, तो काफी अच्छी लगती है पहनने के बाद। साथ मुझे जो दुपट्टा रिसीव हुआ है वो ये है गाइज, जैसा कि देख सकते हो मैंने अभी इसे वेयर किया हुआ है, तो आप देख सकते हो ये वाली दुपट्टा रिसीव हुआ था जो कि काफी अच्छी लग रही है, इसे बांधनी दुपट्टा बोलते हैं, हाँ इसे बांधनी दुपट्टा बोलते हैं, तभी से पहना मैंने वीडियो में इसे डाल रखा है, तो काफी अच्छी लुक आ रही थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आप इस लहंगे के साथ पहनोगे तो और आपको कितनी अच्छी लुक आएगी। इसकी प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल है गाइस, इसकी प्राइस भी मैं इस भी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना कि कितनी की प्राइस की है। तो अगर आप ये आप में से किसी को भी ये लहंगा पसंद आया हो, अगर आप उनसे लेना चाहते हो तो इसका कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हो और आसानी से इसे परचेज कर सकते हो। सो गाइज, अगर आप में से किन्हीं को भी इन दोनों में से एक लहंगा भी पसंद आया हो तो जरूर से जरूर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो भी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू।